पानी आएगा, नाला है उसमें कचरा बच जाएगा। अब वो कहीं अगर घाट लग गए तो पूरा पानी मोहल्ले में घुसेगा। आज प्रेस ले लिए, दो चार दिन में अगर उस पर कुछ कार्रवाई दिखी तो ठीक, आंदोलन तो कभी कर सकते, राह देखेंगे दो चार दिन के बाद इस पर एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो फिर अपने पद्धत है। शिवसेना स्टाइल में जो आंदोलन महापालिका में हो रहा है, सामाजिक इस पर नागरिक समस्या पे, सामाजिक समस्या जो हुई वसीम चौधरी की, उसका क्लास चालू हुआ। शिवसेना से स्वाभाविक जो आंदोलन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। आज के अपना वो विषय आज नहीं है, अपना विषय आज अपने अकोला शहर के नहीं, क्योंकि शिवसेना उस पीरियड में पुलिस थाने में थी, उन्होंने कंप्लेंट के वक्त एक स्वाभाविक थी शिवसेना जो उसका मूल स्वभाव है। तरी पाहता पाहता त्यांनी कोणत्याही प्रकारे त्यावर कारवाई नाही न केल्यामुळे आम्ही त्यांना निवेदन दिलं, फोटो पाठवलं आणि फोटो काढून त्यांच्याकडे दिलं आम्ही की हे पहा ही सध्या परिस्थिती आहे। आयुक्त मॅडमला आम्ही सांगितलं की मॅडम अशी जी परिस्थिती आहे, तर त्यांनी हे सांगितलं की आम्ही जे क्षेत्र अधिकारी आहेत त्यांच्यासोबत अधिकारी आहेत हे तुम्हाला चुकीचे फिटिंग करतात की हे 90% साफसफाई झालेली आहे। असं तुम्ही एकदा शहरामध्ये पाहून घ्या, फिरून घ्या, एकदा तुम्ही चक्कर मारा, ती तपासणी करा की नाल्याची साफसफाई झाली आहे की नाही। आणि ते पूर्ण फोटो माझ्याकडे आलेला आहे, मागे हे आपण जे बॅनर लावला ते फोटो कालचे आहे। तर आतापर्यंत प्रशासनाने यावर कोणतीही भूमिका न मांडता त्यांनी नाली साफसफाई केली नाही। तर मी त्यांना पत्र दिलेलं आहे, त्यांना मी सांगितलं की अगर नहीं होगी तो उसका नुकसान, अगर लोगों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई, उसकी जवाबदारी महानगर पालिका प्रशासन की रहने वाली है। इसलिए आज हमने प्रूफ सहित कुछ फोटो मेरे पास में लेके आया हूँ मैं, जिससे मैंने लगाना है वो लगाकर अभी भी अपने पास 10-12 दिन है, समय है अपने पास में। तो नाले की जो मुख्यमंत्री नाले है अगर उसकी साफ सफाई अगर हो जाए तो आने वाले भविष्य में अकोला शहर के अंदर लोगों घर में पानी नहीं जाएगा, लेकिन वो उनके कुछ ख्याल नहीं आ रहा। इसलिए ये कार्रवाई होने बोला, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम हमारे पद्धत से आंदोलन करें। अपनी कार्रवाई साफ सफाई करना, और वो जो उन्होंने पद्धत की है हो सकता है वो पैसे में यहाँ के जो अधिकारी थे वो पैसे आगे पड़े होने बाद में उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ वो भी उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने आंदोलन किया, आमदार साहब नितिन बापू देशमुख उन्होंने पाठपुरावा लिया उसका, और ताबड़तोड़ उसी दिन वहाँ पर जिला कार्यालय में बैठ के 500 चीज लिखे गए और उसके बाद चेक मिला वहाँ पर। और जो सर्वे हुआ, अब वो प्रशासन बोल रहा है कि कुछ सर्वे गलती से हुई है, लगभग 8 से 9 हजार लोगों को चेक मिले हुआ है, 8-9 हजार लोगों को चेक मिले हुआ है, कुछ हमारे भी बाकी है। अब उसमें क्या होगा जब सर्वे इन्होंने किए गड़बड़ में, तो सर्वे में कुछ गलती ऐसी हो गई कि उस समय को स्पॉट पर नहीं गया कि भाई ये घर पानी गया कि नहीं गया, यहाँ बढ़ गए, इसने आया इसका नाम लिखा दिया, उसने आया उसका नाम लिखा दिया। जो बेचारे जिसके घर पानी गया वो उसको नहीं मिल पाया, और जिसके घर पानी नहीं गया उसको चेक मिले। अकोला महानगर पालिका हद में जो भी गाँव के बड़े बड़े नाले हैं, हर साल महानगर पालिका के माध्यम से पानी बरसात के पहले नाली की साफ सफाई होती। पिछले बारी में यहाँ पर तत्कालीन आयुक्त अरोरा मैडम थे, उन्होंने भी वही गलती किया, और उस समय भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि नाली साफ सफाई करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने किए नहीं, उसके कारण लोगों के घरों में पानी घुसा। और आज भी वही गलती मैडम कर रही है। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम नाली साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लम एरिया में लोगों के घर में पानी घुसता और उससे लोगों का नुकसान होता। लेकिन मैडम को कुछ अधिकारियों ने गैर समझ पैदा कर दी है कि नाली साफ सफाई नहीं भी किए तो नाला साफ हो जाता पानी में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने मैडम से मिले, मैडम को बताया, मैडम का कहना था कि 90% नाले साफ सफाई हो गई, तब उनके उनके ख्याल में लाके दिया कि पूरे शहर में जो भी नाले हैं उनके हमने फोटोग्राफी लाके दिए और मैडम को बताया कि मैडम ये कंडीशन नाले की है और ये साफ सफाई अगर आपने नहीं किया तो 100% आने वाली बारिश के अंदर अकोला महानगर पालिका में जो भी स्लम एरिया है जहाँ गोर गरीब लोग रहते हैं उनके घर में पानी घुसेगा और उसका नुकसान वो होगा, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसकी जवाबदारी महानगर पालिका की रहने वाली है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अकोला महानगर पालिका में जो नाले गंदे हैं उसको साफ सफाई हो किया जाए, अन्यथा शिवसेना की पद्धति से महानगर पालिका पे हम ये विषय में आंदोलन करेंगे।